वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनीशा सिंह, मैं आज आपके लिए माइक्रम का झूमर लेकर आई हूँ। चलिए देखते हैं उसके लिए क्या क्या लगेगी। तो मैंने यहाँ पर दो कलर का माइक्रम लिया है, एक ऑरेंज, एक यहाँ पर शाइन है इस माइक्रम में लाइट ऑरेंज। मैंने यहाँ कुछ बेल्स यूज़ किए हैं वाइट कलर के, आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ बीड्स यूज़ किए हैं रेड कलर के, वाइट कलर के एंड पर्पल। और यहाँ पर रिंग हमें चाहिए, एक मैंने लिया है यहाँ पर 6 नंबर का रिंग, 8 यहाँ पर 8 नंबर का रिंग। यहाँ पर इंची टेप हमें चाहिए माइक्रम को नापने के लिए एंड सीजर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का झूमर। ये देखिए मैंने यहाँ पर 32 कॉर्ड लिए हैं ऑरेंज कलर के, सारे मैंने 2 मीटर के लिए हैं। एंड मैंने यहाँ पर लाइट ऑरेंज कलर का कॉर्ड लिया है 6, ये भी मैंने 2 मीटर के लिए हैं। एंड मैंने इन सबको एक बराबर करके ऐसे रख लिया है, और इस कॉर्ड को मैंने यहाँ पर बीच में डाला है लाइट ऑरेंज कलर वाले को। और मैंने यहाँ पर एक नॉट लगा लिया था। मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉर्ड लिया है लाइट ऑरेंज कलर का, वो मैंने लिया है 3 मीटर के। टाइट ऐसे कर देंगे एक साइड से। अब हमें इस कॉर्ड से पूरा इसको रैप करना है। ऐसा करके हम कुछ दूर तक रैप कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर पूरा रैप कर लिया है, और मैंने यहाँ पर कैंडल से स्टिक कर लिया है। कैंडल से मुझे दिखाने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। आप लाइटर की मदद से भी कर सकते हैं। ऐसा होगा, हमें ऐसा बनाना है इसे। हम थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। सारे कॉर्ड में ऐसे, और मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा एक कॉर्ड लिया है, ये मैंने ऑरेंज कलर का लिया है 1 मीटर का। अब हमें इसे रैप करना है। इधर अच्छे से टाइटली रैप कर लेना है। ज्यादा दूर तक नहीं करना है हमें, बस ये मेरा हो गया है। और यहाँ पर मैं अभी इसे कट करके यहाँ पर स्टिक कर लूंगी। मैंने यहाँ पर इसे रोल करके यहाँ स्टिक कर लिया है, इस साइड भी स्टिक कर लिया है। इधर का मेरा पूरा रेडी है। अब हमें यहाँ पर मैंने जो 6 नंबर का रिंग लिया था वो मैं यूज़ करूँगी। सारे कॉर्ड को हमें इस रिंग में ले लेना है। अब
अब हमें क्या करना है कि ये वाले जो ऑरेंज कॉर्ड हैं, इन सारे कॉर्ड को हमें इस रिंग में अटैच करना है। सिर्फ ये वाले ऑरेंज कॉर्ड, ये हमारे अंदर के जो कॉर्ड हैं, इसे अटैच हमें नहीं करना है। ऐसे ही करके हम ये पूरा रिंग कंप्लीट कर लेंगे कवर करके। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये पूरा रिंग अटैच कर लिया है इस कॉर्ड से। अब हमें यहाँ पर मैंने दो कॉर्ड लिया है और इसमें बीट्स डालूंगी, रेड कलर के बीट्स। व्हाइट कलर का। अब हमें यहाँ पर मैंने जो 8 नंबर का रिंग लिया है वो हमें अटैच करना है। पर्पल कलर के बीट्स। फिर से रेड। ऐसे ही करके हमें ये पूरा कॉर्ड में हमें बीट्स डाल करके कंप्लीट कर लेना है। ये मैंने यहाँ पर ये पूरे बीट्स लगा करके रेडी कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पर इस कॉर्ड को
बीट्स डाल करके इसे कट करना है। तो मैं यहाँ पर 3 बीट्स यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पर एक बेल्स। हम इसे इस साइज़ में, इतना दूर के साइज़ में काट लेंगे। देखिए, अब हमें इसके साइज का नाप करके हमें इसे कट करना है। हमें इसे थोड़ा लंबा करते जाना है, तो मैं इतना लंबा ले रही हूँ। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाले पोर्शन से मैं इसे कट कर रही हूँ। आप इसे आसानी से कर सकते हैं लाइटर की मदद से। मैंने जैसे ऊपर कॉम्बिनेशन किया था, वैसे ही मैं नीचे भी कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं उधर से बनाते आ रही हूँ, तो मेरा कॉर्ड लंबा हो गया है इधर से। देखिए, ये बन करके कंप्लीट हो गया है, मेरा पूरा बीट्स लग गया है। जो मेरा बीच वाला पोर्शन है, बीच वाला, वो हम इसमें से कट करेंगे एंड बेल्स लगाएंगे। मैंने यहाँ एक कट करके रखा है, हमें इस साइज का सबको कट करना है। ऐसे इसका सबको कट कर लेना था। तो मैंने ये सब कट कर लिया है।
सेम प्रोसेस में बीट्स लगाएंगे। ऐसे करके मैं रेडी कर लूँगी यहाँ पर। और मैं यहाँ पर सारे बीट्स में वाइट कलर के यूज़ करूँगी। ये वाले पूरे पोर्शन में मैं वाइट कलर के बीट्स ही यूज़ करूँगी। ये देखिए मैंने नीचे यहाँ पर बेल्स लगा के रेडी कर लिया है। ये मेरा झूमर बन के तैयार है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ मुझे लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।